So we are starting with the numericals of elasticity of demand. We had done a few numericals yesterday. So moving further, let's start with the next question. Given that price elasticity of demand is equal to -5, a consumer buys a consumer buys 10 kgs at rupees 5 per kg. A consumer buys 10 kgs at rupees 5 per kg. Find the new price if he now buys 20 kgs. So first of all, we will note down the information which is given to us. It is given that elasticity of demand equals -5 and a consumer buys 10 kgs at price rupees 5. We are asked to find out new price if now he buys 20 kgs. Okay. So again, which formula we will be making use of? Proportionate. ठीक है, proportionate formula use कर लेते हैं. ED equals Q1 minus Q over P1 minus P into P upon Q. So we will be putting down the information which is given to us. We are given ED equals -5. So क्योंकि इधर हमने minus लिख लिया, तो इधर हम minus skip करेंगे formula वाली side में. Q1 20 है, Q10 है, P1 हमें find out करना है, P5 है, into P upon Q. ये 2 आ गया, 10 divided by 2, 5 आ गया. So we have got -5 equals 5 over P1 minus 5. Cross multiply कर देंगे, -5 P minus 5 equals 5. -5 P1 plus 25 equals 5. ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ चाहे, या इसको इधर रहने दोगे, इसको 25 को उधर ले जाओगे, माइनस माइनस कट जाएगा, जैसे मर्जी कर लो. -5 P1 equals, ये उधर चला गया, माइनस हो गया, -20, माइनस माइनस कट हो गया, P1 equals 20 divided by 5 rupees 4. ठीक है, तो चेक कर लो, प्राइस कम होने पर ही डिमांड बढ़नी चाहिए. सो इन केस आपने यहाँ पे कोई गड़बड़ कर दी, इधर भी माइनस लगा दिया और आपका आंसर 5 आ गया, तो यहाँ पे आपको गलती पता, या 6 आ गया तो आपको गलती पता चल जानी चाहिए कि डिमांड बढ़ी है, प्राइस शुड बी डिक्रीज्ड. ठीक है, डन बेटे ऑल ऑफ यू. ऑल राइट, मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेन परसेंट राइज इन प्राइस of a good on its demand if what will be the effect of 10% rise
इन प्राइस ऑफ ए गुड ऑन इट्स डिमांड इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ए जीरो बी माइनस वन सी माइनस टू. सो यू आर आस्क्ड और यू आर गिवन चेंज इन प्राइस परसेंटेज. चेंज इन प्राइसेस 10% राइज हुआ है प्राइस. ठीक है, प्राइस हैज राइजन बाय 10%. तो कमोडिटी की डिमांड के ऊपर वो पूछ रहा है क्या असर पड़ेगा. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर. तो उसने तीन केसेस दिए हैं. अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगी तो क्या असर पड़ेगा, वन होगी तो क्या असर पड़ेगा, टू होगी तो क्या असर पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. गिवन परसेंटेज राइज इन प्राइस इक्वल्स 10%. ए केस करते हैं हम. ऑल्सो यू आर गिवन ईडी इक्वल्स जीरो. यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज फॉल इन डिमांड. तो वी नो ईडी इक्वल्स percentage change in quantity demanded over percentage change in price. तो जो जो information है वो put कर देते हैं. ये zero given है, ये हमें find out करना है. ये 10% given है. So what will be the percentage change in quantity demanded? Zero. That is, जब आपको वैसे भी मालूम है जब ED zero है इसका मतलब वो perfectly inelastic है. मतलब with change in price there will be no change in quantity demanded. ठीक है, so इसीलिए हमारा answer क्या आया? Zero. Percentage change in demand will be zero. That is, demand will not change at all. Okay. Next, second case. Second case क्या है इसमें? Given percentage rise in price 10%, elasticity of demand minus 1, you have to find out percentage change in demand. So same formula, ED equals, value put kar do ED ki, minus 1. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड आउट करना है. राइज इन प्राइस गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड माइनस 10, दैट इज डिमांड फॉल्स बाय 10%. यूनिटरी इलास्टिक है ना, 1 है वो, वहीं से पता चल जाता है कॉफिशियंट से ही. यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है जितने परसेंटेज प्राइस में चेंज आएगा उतना परसेंटेज डिमांड में चेंज आएगा. ठीक है, एनी गेसेस फॉर थर्ड आंसर? 20%. ठीक है, ट्वाइस कॉफिशियंट क्या बता रहा है? ट्वाइस देयर विल बी ट्वाइस चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. हाँ बेटे, फॉल लिख दो तो 20% परसेंटेज चेंज इन डिमांड लिखोगे तो माइनस 20%. माइनस क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, फॉल. ठीक है, हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन, कर लीजिए आप ऑन योर ओन. सेम फॉर्मूला,
these cases related to where ED was given in negative. Now let's start with another type of questions where ED is given to be positive, यानी उसके साथ कोई sign नहीं दिया हुआ, ठीक है? लिखिए, a consumer buys 100 units. At rupees 5 per unit, price elasticity of demand is 2. At what price will consumer buy 140 units? So given information is this: price rupees 5, quantity 100, P1 not given, Q1 140, ED 2. कौन सा formula use होगा? Proportionate. क्या है वो? Q1 minus Q upon P1 minus P into P upon Q. Should we put negative sign? Yes. ठीक है, क्योंकि ED is not given in negative. So ये 2 है, इधर हम minus लिख देंगे. Q1 is 140, Q is 100. P1 we need to find out, P is 5. P5, Q100. Right? ये 20 हो गया, ये 40 है, 20 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 P minus, sorry, इधर आएगा, P1 minus 5, ठीक है? अब minus इधर रहने दो, cross multiply कर दो, 2 P1 minus 5, equals minus 2, bracket खोल देते हैं, 2P1 minus 10 equals minus 2, इधर जाके plus हो जाएगा, 2P1 equals 8, P1 equals rupees 4, price कम होना चाहिए था, तभी डिमांड बढ़ जाएगी. It's not 6, Amish. आपने शायद वही मिस्टेक की है. आपने नेगेटिव साइन. तभी मैंने कहा है, जब भी आप आंसर लिखते हो, क्रॉस चेक जरूर करो. अगर 6 हो गया प्राइस, तो डिमांड कम होनी चाहिए. हमारी डिमांड बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारा प्राइस कम हो रहा है. तो इन केस आपका आंसर 6 आ रहा है, तो देयर इज सम मिस्टेक समवेयर. और मिस्टेक यही है, आपने माइनस साइन नहीं डाला यहां. ठीक है, रेक्टिफाई कर लीजिए. ऑल राइट, नेक्स्ट, दिस यू डू ऑन योर ओन नाउ. बहुत मैंने प्रैक्टिस कराई है, अब आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो खुद करेंगे. The demand for a good is 300 units at rupees 20. If price rises by rupees 2, and demand falls, find the new demand if ED is 2. Find the new demand if ED is equal to 2. All right, सबसे पहले information उतार लेते हैं.
₹20 जब प्राइस है तो डिमांड 300 यूनिट्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, इफ प्राइस राइजेस बाय ₹2, हाँ जी, तो P1 क्या है, 20 plus 2 22, तो बाय और टू का फर्क देखना है, अगर टू हो जाता है तो वही वैल्यू, बाय है तो उसको उसमें ऐड या माइनस करना, जैसे भी केस है, राइजेस लिखा है तो ऐड कर दो, फॉल्स लिखा है तो माइनस कर दो। यू हैव टू फाइंड आउट न्यू डिमांड एंड ईडी इज गिवन टू बी 2। आप खुद करेंगे ये क्वेश्चन और मेरे को चैट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ बिट डिफरेंट। यस राइट नव्या, इट्स 100। राइट आंसर इज 100। अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹100 ऑन ए गुड प्राइस्ड एट ₹4 पर यूनिट। अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹100 ऑन ए गुड प्राइस्ड एट ₹4 पर यूनिट व्हेन इट्स प्राइस 4। When its price falls by 50%, the consumer continues to spend ₹100 on the good. Calculate ED using expenditure using percentage method. Calculate ED using percentage method. So बेटे इसमें statement को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली line पढ़ो एक बारी अपने आप। A consumer spends ₹100 on a good priced at ₹4 per unit. So what is given is price ₹4 and he spends ₹100 on it. ये क्या गिवन है, क्वांटिटी, इज इट क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर आपने ₹4 का पेन खरीदा और ₹100 उसके ऊपर खर्च दिए तो आपने कितने पेन खरीदे होंगे, 25, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो आपको क्यों फाइंड आउट करना है ना, आपका टोटल एक्सपेंडिचर को जब आप प्राइस से डिवाइड कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी। तो इस केस में उसने ₹100 खर्चे, ₹4 का एक पेन था, तो इसका मतलब क्वांटिटी कितनी डिमांड की उसने, 25 यूनिट्स। ठीक है, जब भी कहां कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगे उसको रियल लाइफ से रिलेट कर लो, एग्जांपल ले लो कि भी मैं ₹4 का पेन है, मैंने ₹100 खर्चे तो मैंने कितने लिए होंगे। ठीक है, ओके, नाउ प्राइस फॉल्स बाय 20%, 50% से कम हो गया तो 4 का 50% क्या होगा, 2 rupees। ठीक है, तो 4 minus 2, 2 rupees। नाउ ही कंटिन्यूज टू स्पेंड 100 rupees, अभी भी वो ₹100 खर्च रहा है, तो डिमांड कितनी होगी, ₹100 खर्च रहा है उस कमोडिटी के ऊपर जिसका प्राइस कितना है, ₹2। इसका मतलब वो कितने यूनिट्स ले रहा है, 50। ठीक है, तो परसेंटेज मेथड से उसने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है,
तो क्या हो गया, क्या होता है ईडी परसेंटेज मेथड से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सी परसेंटेज चेंज इज ऑलरेडी गिवन, प्राइस फॉल्स बाय 2%, सॉरी 50%. प्राइस में कितना चेंज आया, 50%, है ना. डिमांड में कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाल लो. Q1 माइनस क्यू ओवर क्यू इन 200, 25 ओवर 25 कट गया 100%. तो वैल्यूज पुट कर दो, 100 ओवर 50, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2. देख लीजिए, 100 अपॉन 50, ईडी इक्वल्स 2. ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. क्या ना गिवन हो है, कम अगेन. अगर नहीं गिवन हो तो आप यू कैन यूज एनी मेथड. यहां उसमें स्पेसिफाई किया था परसेंटेज मेथड, सो वी हैव टू यूज.